तो दोस्तों, क्या आपको बताया लंबे टाइम तक अकेले रहना हमारी हेल्थ पे उतना ही बुरा असर करता है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने पर होता है। और सोने से पहले हम जिस पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं वो पर्सन हमारी लाइफ में या तो हमारी खुशी का कारण होता है या तो हमारे दुख का कारण। और क्या आपको पता है कोई भी इंसान हमें पसंद है या नहीं ये डिसाइड करने में हमको सिर्फ 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे ही 10 अमेजिंग और मजेदार से साइकोलॉजिकल फैक्ट, जिन्हें जानने के बाद आपका रिएक्शन जो भी होगा वो कमेंट में बता देना। नंबर 1, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बात करते टाइम अपने चेहरे को, खास करके अपनी नाक को बार बार टच करते रहते हैं। आप बोलते होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शायद वो उनकी आदत होगी, बट नहीं। साइकोलॉजिस्ट की माने तो ये एक साइन हो सकता है कि वो इंसान नर्वस है और वो बार बार ये सोच रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे। नंबर 2, दुनिया में कोई भी इंसान अपने सपने में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ना और सपने देखना दिमाग के 2 अलग अलग पार्ट्स का काम होता है, जिसकी वजह से ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, तो ये बहुत ही मजेदार सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हम अपनी मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा से अलग किसी दूसरी लैंग्वेज में सोचकर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें तो वो हमारे ब्रेन को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यस, काफी सारे रिसर्चेस में ये बात पता चली है कि जब हम अपनी मदर टंग से अलग किसी लैंग्वेज में सोचकर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा राइट होता है। नंबर 4, तो आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं एक ही टाइम पे कई सारे काम कर सकता हूं, यानी कि मल्टीटास्किंग कर सकता हूं। आपने भी बोला होगा, बट असल में ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मैं तो करता हूं एक ही टाइम पे अलग अलग काम, बट नहीं, हमारा ब्रेन एक काम से दूसरे काम पे स्विच करता रहता है, ना कि उन दोनों कामों को एक साथ करता है। नंबर 5, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी हमें कोई पर्सन इग्नोर करता है तो हम उस पर्सन पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, हम ज्यादातर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो चीज हमें नहीं मिल सकती हम उसी को पाने की कोशिश करते रहते हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा ब्रेन इग्नोरेंस को एक चैलेंज की तरह लेता है, जिसको वो किसी भी हालत में पूरा करना चाहता है। नंबर 6, तो अगर आपके पास किसी भी काम को करने के 2 प्लान है, प्लान ए एंड प्लान बी, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि प्लान ए जो है काम नहीं करेगा। नंबर 7, जो शर्मीले लोग होते हैं वो दूसरों को अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, बट वो इस तरह से बताते हैं कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उनके बारे में सब कुछ जानता है। तो अगर आप भी किसी शर्मीले इंसान को जानते हो तो ये समझ लो कि आप उनके बारे में इतना नहीं जानते जितना कि आप सोचते हो। नंबर 8, तो अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपको पसंद करे तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, बट इससे अच्छा ये रहेगा कि आप उससे ही हेल्प मांगो। ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी वैल्यू आपके लिए काफी ज्यादा है और वो आपको पसंद करने लगता है। नंबर 9, इस दुनिया में 19 अलग अलग तरह की स्माइल्स होती हैं, रिवॉर्ड स्माइल, डोमिनेंस स्माइल, लाइंग स्माइल एक्सेट्रा, बट अमेजिंग बात यह है कि ये सभी स्माइल्स हैप्पीनेस को नहीं दिखाती, बल्कि इनमें से सिर्फ 6 ऐसी स्माइल्स हैं जो कि तब होती हैं जब हम कोई अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं, बाकी 13 स्माइल और अलग अलग सिचुएशन में होती हैं। नंबर 10, तो अगर आपको किसी इंसान का असली नेचर जानना है कि असल में वो इंसान कैसा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इंसान रेस्टोरेंट या कैफेज में वेटर्स को कैसे ट्रीट करता है। इसे द वेटर रूल कहते हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ तो सही है, बट एक दूसरा इंसान जो कि उसकी नजर में सिर्फ एक वेटर है, उसके साथ उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो शायद वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर आपके साथ भी आपके स्टेटस बदलने पर चेंज हो सकता है। तो ऐसा करके आप लोगों का नेचर तो जान सकते हो, बट अगर आपको जानना है कोई इंसान जीनियस है या नहीं, तो जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो जीनियस लोगों के साथ ऐसी बुरी आदतें जो कि साइन है किसी इंसान के जीनियस होने का, और क्या पता आप में भी इनमें से कोई आदत हो।